बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज जो हम लोग आपको बनाना सिखाने वाले हैं वो है अरबी के पत्तों से एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सालन और रोल। उसके लिए आपको चाहिए है एक कप बेसन, डेढ़ कप बेसन, उसके बाद सूखा धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, फुल भरा हुआ मिर्चें 3 अदद हरी वाली, प्याज 1 चॉप्ड। ये अरवी के पत्ते हैं, ये कुछ इस तरह के होते हैं। इनको हम यहाँ से काट लेंगे। ये सख्त वाला जो बीज में हिस्सा है इसको काट लेंगे। ये जो बीच में सख्त वाला हिस्सा है हम इसे भी काट लेंगे इस तरह से कुछ। हाफ कप बेसन में हम ये सारे के सारे मसाले डाल देंगे, ये जो प्लेट में हमने रखे हुए थे। 1.5 कप ऑफ बेसन, दो चम्मच ऑयल। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। रेडी है, बनाते लेंगे। और इसके ऊपर है ये बेसन वाला बैटर जो है इस तरह से लगाएंगे। से रोल कर लें। इस तरह रोल कर लिया। अब इस तरफ ये मैंने स्टीम के लिए पानी रखा हुआ है इस बर्तन में और बीच में स्टैंड रखा हुआ है। ऊपर मेरे पास ये इस तरह की है जाली, ये सुराख वाली, ये ऐसे रखेंगे। और इसको इस तरह इसके अंदर रख देंगे, इस तरह ये स्टीम कर लेंगे। ये इस तरह इसमें रख देंगे और स्टीम कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। जैसे ये स्टीम हो जाएगा तो हम एक को फ्राई करेंगे और एक जो है ग्रेवी बना के उसमें डालेंगे। ये रोल स्टीम हो रहे हैं कुछ इस तरह से बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप ऑयल, 1/2 कप लाल मिर्च पाउडर कुटी हुई, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें 1/2, और ज़ीरा जो है वो 1/4 टीस्पून,
हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, अदरक और लहसुन कुटा हुआ, डेढ़ चम्मच दही। प्याज तकरीबन फ्राई हो गया है, इस तरफ हम कढ़ाई रखेंगे। इस तरफ हमने कढ़ाई रख लिया और उसमें हम डालेंगे ऑयल। जो हैं वो स्टीम हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें काट लेंगे। हमारा प्याज फ्राई हो गया, तो हमने अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया, मिर्चों का, हरी मिर्चों का भी। सिवाय गरम मसाले के ऑयल गरम हो चुका है, तो अब हम फ्राई कर रहे हैं। ये ग्रेवी के लिए छोटे काटे हैं जरा, ये ग्रेवी के लिए, इस वजह से हमने इन्हें रोल को छोटा काट लिया है। इधर हमारी ग्रेवी भी रेडी हो रही है, अब हम इसमें दही डाल देंगे। डेढ़ चम्मच दही, के लिए रोल जो थे वो जो हमने काटे थे छोटे छोटे वो फ्राई कर लिए हैं, अब हम दूसरे करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आ जाएगा, तो हम इसमें फिर रोल जो हमने फ्राई किए थे वो डाल देंगे। फ्राई हो गए हैं और हम इसे दही के रायते के साथ सर्व करेंगे। हो गया, तो हम अब इन्हें डाल के इसे छोड़ देंगे, 5 मिनट दम पे रखेंगे। ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। रेसिपीज बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी आज देखें रोल इतने मज़े के हैं, इसके रायते के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपको हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगी हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट ज़रूर करें। देखें, तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको, ये देखें। अल्लाह हाफ़िज़।